हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छे से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको फिर से एक नया वीडियो बताने वाली हूँ एंड मैं आज करने वाली हूँ मेकअप। तो ये मेकअप देखने के लिए जो है सबसे पहले जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि एकदम फ्री है, कोई भी पेड नहीं है। प्लस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं कोई वीडियोस बनाते रहूँ तो वो आपको मिलती रहे। तो मैं कह रही थी कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेकअप। तो मेकअप मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो समर मेकअप बताने वाली हूँ, बिकॉज गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो गर्मी में आपका मेकअप जो है लॉन्ग से कैसा करना चाहिए और किस तरह से आपको एकदम सिंपल सोबर तरीके से मेकअप करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़्यादा आपको हार्ड नहीं बताने वाली, बहुत ही सिंपल क्विक इजी स्टेप्स में बताने वाली हूँ, जो आप चलते फिरते कर लोगे, यू नो। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले जो है हम फेस को क्लीन करेंगे। फेस को क्लीन करने के लिए हमने जो है लैक्टोकैलामाइन का वेट वाइप्स ले लिया है। एंड वेट वाइप्स लेकर जो है अच्छी तरह से स्किन को क्लीन कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आपने वॉश किया है तो फेस क्लीन होता है। उसके बाद में मुझे थोड़ी सी थकावट लग रही थी तो मैंने रोज़ वाटर लिया था एंड रोज़ वाटर को अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है। फिर जो है मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने जो है फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है, नंबर 1 का, और उसको अच्छी तरह से जो है आई बेस पे मैं लगा दे रही हूँ। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी आप आई मेकअप करते हो तो रिमेंबर गाइस, ऑलवेज जो है वाइस वर्सा करते रहे, एक साथ में आईज करते रहे। इससे जो है आपका आई मेकअप कभी भी डिफरेंट नहीं लगेगा, डिफरेंट कलर्स नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट लगेगा। तो उसके लिए ये जो है स्टेप मैं फॉलो करती हूँ, ये बहुत ही सा वेट किया है एंड उसको जो है अच्छी तरह से मैंने जहाँ पर कंसीलर लगाया है वहाँ पर अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ब्रश की सहायता से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से करना ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए मैं ज़्यादा करके ब्यूटी ब्लेंडर पसंद करती हूँ। अब जो है मैं हैक बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही बेहतरीन हैक है। जब आपको शार्प आईज़ का मेकअप करना हो तो आप सेलो टेप लीजिए एंड सेलो टेप जो है नीचे वाटर लाइन से लेके ऊपर तक क्रॉस में अच्छी तरह से लगा लीजिए। उसके बाद में हमने आई मेकअप स्टार्ट किया है। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने जो है लिपस्टिक ली है, लिपस्टिक नंबर 50 लिया है और इसका शेड भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगी एंड उसको अच्छी तरह से जो है मैं आई लीड पर लगा दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास में क्रीम आई शेडो हो तो आप वही यूज़ करें, आप लिपस्टिक को भी आई शेडो के में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टिप है, होप आपको पसंद आई होगी। एंड मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ में और बहुत ही ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ में आपको हमेशा मेकअप बताती हूँ, जहाँ पर जो है आपको ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़े और कम प्रोडक्ट्स में अच्छा मेकअप हो जाए। उसके बाद में मैंने एक प्लफ़ी ब्रश ले लिया है एंड प्लफ़ी ब्रश की सहायता से जो है अच्छी तरह से मैं जो ने लिपस्टिक लगाया था, लिपस्टिक का शेड लगाया था, उसको अच्छी तरह से मर्ज कर दे रही हूँ, अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ, ताकि वो ब्लेंडेड दिखे और एक ही मोशन में दिखे, अलग अलग नहीं दिखे। उसके बाद में मैंने जो है ये लिया है ब्यूटी ग्लेस का जो आई मेकअप का पैलेट लिया है एंड इसमें से जो है ये मैं पिंक कलर का पाउडर शेड ले रही हूँ। पाउडर शेड लेने के बाद में अभी हमने क्रीम बेस्ड अप्लाई किया था, मतलब लिपस्टिक अप्लाई किया था जो कि लिक्विड थी, तो उसको पाउडर बेस वर्क करना, लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है आईज़ पे क्रीज लाइन आने के चांसेस हो जाते हैं और आई मेकअप ख़राब होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप इस तरह का मेकअप करते हैं तो ध्यान रखिए आपको उसके ऊपर उसी तरह का पाउडर बेस जो है लगा देना है प्लफी ब्रश की सहायता से, और आपका कलर का जो है एक एनहांसमेंट जो होता है वो डेप्थनेस में भी दिखने लगता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में मैंने वापस से ब्यूटी ग्लेस का पैलेट लिया है एंड उसमें से ये लाइट कलर का थोड़ा सा शेड लिया था, मुझे क्रीज लाइन के ऊपर जो मैंने लगाना था वहाँ पर अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है, वहाँ पर अच्छी तरह से लगा रही हूँ। तो जिस तरह से मैं स्टेप फॉलो करती हूँ गाइस, उसी तरह से आप भी स्टेप फॉलो कीजिए। बहुत ही ईजी तरीके के मैं मेकअप बताती हूँ, सिंपल सोबर, जो आप अपने हाथों से कर सकते हैं उसी को ध्यान में रखकर मैं वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज जब तक आपको बेसिक मेकअप नहीं आएगा आप एडवांस मेकअप नहीं कर सकते हो। उसके बाद में जो है मुझे आईज पे थोड़ा सा शिमर देना था तो मैंने रेवोल्यूशन का पैलेट लिया था और उसमें से जो है बिस्किट कलर का मैंने
मैटलिंग शेड लिया था, उसको फिंगर से अच्छी तरह से जो है आईलिड पे लगा लिया था, पूरा नहीं लगाया था, थोड़ा लगाया था जहाँ तक मुझे लगाना था, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। उसके बाद में जो है मैंने फेस सीक्रेट का लाइनर लिया है, जेल लाइनर लिया है, उसको अच्छी तरह से जो है आइस पे मैं लगा दूंगी। विंग थोड़ा सा मैं क्रिएट कर रही हूँ, ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रही हूँ। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए। और भी बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। प्लस जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं काफ़ी रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो होप गाइज आपको जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझने आ रहा है। देखिए, हमने जो है सेलो टेप लगाया था, तो सेलो टेप अब जो मैं निकाल रही हूँ और मैं बता रही हूँ, ये सेलो टेप लगाने की वजह से देखिए जो मेरा आई शेडो है वो कितना शार्प बन गया है। अगर लगता है आपको कि कुछ फैल गया है, तो आप एक वेट वाइप ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। वैसे भी जब भी आप आई शेडो पहले करते हैं, मतलब मैं तो इसलिए करती हूँ कि अगर कभी आई शेडो करते वक्त कुछ फॉल हो जाए फेस पे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो फाउंडेशन लगाने के बाद में, इसलिए मैं पहले आई शेडो करती हूँ। उसके बाद में मैंने यूरोप गर्ल का काजल ले लिया है एंड काजल को अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। मुझे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक कलर का काजल मैं मोस्टली लगाती हूँ। अगर आपको और कोई भी कलर का काजल लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जो है मैंने मिस क्लेयर का पाउडर लिया है आई शेडो का एंड जो काजल लगाया था उस पर अच्छी तरह से लगा दिया है, उसको लॉक कर दिया है। उसके बाद में जो है मेबलिन का मस्कारा ले लिया है कलोसल का एंड मैंने अपनी नेचुरल आई लैशेज में जो है उसे लगा दिया है, ताकि जो है मेरी आई लैशेज अच्छे से दिखे, क्योंकि मेरी आई लैशेज बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैं कभी कभार प्रेफर करती हूँ कि मैं आई लैशेज भी लगा लूँ, तो मैं कभी कभी लगाती हूँ। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में जो है मैं फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। फेस मेकअप स्टार्ट करने के लिए जो है मेरे डार्क सर्कल्स थे, थोड़े से पिंपल्स वगैरह के निशान वगैरह, पिगमेंटेशन वगैरह थे, तो उसको जो है मैंने ऑल इन वन कंसीलर लिया है एंड उससे अच्छी तरह से ब्रश से लगाया। पहले ब्रश से लगाने के बाद में जो है अपनी फिंगर से मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। उसके बाद में अब जो है मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन लगाने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का अल्ट्रा थिन फाउंडेशन लिया है। दो शेड लिए थे, एक नंबर 16 लिया था, एक नंबर मैंने 14 लिया था। दोनों को मिक्स किया था, मेरी स्किन टोन के हिसाब से मैंने शेड बनाया था। शेड्स कैसे बनाते हैं उस पर भी मैं आपको वीडियोस बना के जल्दी बताऊंगी, ताकि आपको इजी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में हर शेड अवेलेबल हो, कम शेड से भी आप अच्छे से मेकअप का फाउंडेशन बना सकते हैं। उसके बाद में जो है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को जो है मैंने वेट कर लिया है और उसके बाद में मैंने डैबिंग मोशन में जो है फाउंडेशन को अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है, ताकि वो अच्छी तरह से अच्छा फ्लॉलेस दिखे। अब ब्यूटी ब्लेंडर आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि एकदम गिल्ला कर दीजिएगा कि उसमें से पानी निथर रहा है, तो आप जब फाउंडेशन भी लगा रहे तो आपका फाउंडेशन भी निकल जा रहा है और सब कुछ हो जा रहा है, इस तरह से मत कीजिएगा। तो आप जो है हल्का सा वेट कीजिएगा, ज़्यादा वेट मत कीजिएगा। अब जो है मुझे हाइलाइटिंग देखना देना है, अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा हाइलाइटिंग देना है, इसलिए मैंने फॉरएवर 52 का नंबर का 1 का शेड लिया है एंड उसको अपनी आईज़ के नीचे अच्छी तरह से लगा दिया है, चिन पे लगा दिया है, नोज़ पे लगा दिया है, फोरहेड पे लगा दिया। याद रखिए गाइज, ये जो मैं मेकअप बता रही हूँ आपको समर लुक के लिए बता रही हूँ। जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपका जो मेकअप है ज़्यादा स्टेन नहीं करता है, तो उसी के लिए मैं भी आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपका मेकअप जो है स्टे करेगा, स्वेट प्रॉपिंग रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखिए। मैंने जो है अभी फॉरएवर 52 का लग्जरी बनाना पाउडर लिया है, लूज़ पाउडर लिया है। आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको जितना हो सके अच्छे से क्वांटिटी में लगाइए, कंजूसी की तरह मत लगाइएगा, अच्छी तरह से लगाइएगा, क्योंकि गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है और बहुत जल्दी मेकअप निकलने के चांसेस होते हैं। तो सबसे ये बेहतरीन टिप है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप रखना है, तो जितना हो सके उतना अच्छे से पाउडर आप लगाइए, लूज़ पाउडर आप अच्छे से लगाइए और उसको अच्छी तरह से पैक कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मेकअप भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा टिका रहेगा। तो इस तरह से जो है मैं लगा दे रही हूँ, आप देख रहे हो मैं बहुत अच्छी तरह से लगा दे रही हूँ। फिर मुझे जो लग रहा था थोड़ा सा एक्सेस, वो मैंने निकाल दिया।
उसके बाद में अब जो है मैं कॉन्टोर करूंगी। कॉन्टोर करने के लिए मैंने पोडोर कॉन्टोर लिया है, कॉम्पैक्ट लिया है कलर बार का, इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। वो मैंने जो है अच्छी तरह से अपने चिक्स पे लगा दिया है फीचर देने के लिए। उसके बाद में मैंने जॉ लाइन पे भी लगा लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डबल चिन का प्रॉब्लम है शायद, मुझे ऐसा लगता है, दिखती नहीं है ज़्यादा बट है, तो मैं उसको कॉन्टोर करना ज़रूर पसंद करती हूँ। तो फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए कॉन्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको लगना नहीं है चबी चबी और पतला दुबला लगना है, फेस अच्छा लगना है, तो कॉन्टोर ज़रूर कीजिएगा। कॉन्टोर का पार्ट मिस मत कीजिएगा, बहुत लोग जो है कॉन्टोर नहीं करते हैं। उसके बाद में जो है मैंने लैनपोर का ब्लशर लिया है। ये ब्लशर बहुत ही बेहतरीन ब्लशर है, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत मतलब सामने से आप देखोगे तो आप तो फिदाई हो जाओगे, इतना प्यारा कलर है। क्योंकि क्या होता है, ये कैमरा जो मैं शूट करती हूँ, ये फ्रंट कैमरे से मैं शूट करती हूँ, प्लस लाइट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी जो होता है कलर इतने समझ नहीं पाते हैं। बट जब आप ये मेकअप खुद अपना घर पर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका इफ़ेक्ट कितना अच्छा आता है। तो इस तरह से जो है मैंने अच्छे से जो है ब्लशर लगा दिया है। एंड उसके बाद में जो है मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी देना है मेकअप लुक, मुझे ग्लॉसी देना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए मैंने ओपरा का हाइलाइटर लिया है एंड फैन ब्रश लिया है, एंड अच्छे से जो है चिक बोन्स पे वगैरह लगा लूँगी, नोज़ पे, चिन पे और फोरहेड पे लगा लूँगी। ये हाइलाइटिंग पार्ट होते हैं, हाइलाइटिंग मतलब जो आपको ग्लो हाइलाइटर देना होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। हाइलाइटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उस पर भी मैं आपको जल्दी से वीडियोज़ बना के बताते रहूँगी। और आई बटन में मैं बहुत सारे बटन्स में वीडियो देती हूँ कि मैं कौन कौन से वीडियोस बनाती हूँ, तो वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। और एंड स्क्रीन पे भी मेरे प्लेलिस्ट वगैरह और वीडियोस होते हैं, वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। और गाइज अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझने आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझने आ रहा है। और अगर कोई टॉपिक पर भी आप मेकअप देखना चाहते हैं, कोई मेकअप मतलब किस तरह का देखना चाहते हैं बताइएगा, तो मैं उस पर ज़रूर आपको वीडियोज़ बना के बताऊँगी। मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है मुझे सपोर्ट करे, मुझे आगे बढ़ाए और सब कुछ अच्छा हो बस। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिपस्टिक इज मस्ट। लिपस्टिक के बिगैर तो आपका मेकअप अधूरा होगा, तो उसके लिए मैंने फॉरएवर 52 का लिपस्टिक लिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर आपको दे दूंगी। एंड मैंने अच्छे से उसे अप्लाई कर दिया है। अगर आपको डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई करने नहीं आती है लिक्विड, तो आप पहले पेंसिल से उसे अपना लाइन बनाइए और उसके बाद में अच्छे से अप्लाई कीजिए, ये भी एक टिप है। तो मैंने आज के मेकअप में बहुत सारी टिप्स आपको बताई है, मुझे ज़रूर बताना कि मैंने क्या क्या टिप्स बताई है, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका मेकअप, आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और मैं कैसी दिख रही थी, वो भी ज़रूर बताना। उसके बाद में मैंने जो है आईब्रो के नीचे थोड़ा सा मुझे हाइलाइटिंग देना था, तो मैंने ओपरा का ही हाइलाइटर लिया है एंड फिंगर से उसे अच्छी तरह से लगा दिया। अब आ जाती है मेकअप को फिक्स करने की बारी, तो मेकअप फिक्स करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का मिस्ट एंड फिक्स लिया है एंड उसको अच्छी तरह से लगा दिया है। गर्मी बहुत थी गाइस, फैन चालू था, एसी तो घर में है नहीं, फिर भी मेकअप करके बताती हूँ मैं आपको। तो इस तरह से जो है मेरा फाइनल लुक रेडी हो चुका है एंड मैं शायद से क्यूट क्यूट देख रही हूँ। मैंने इयर रिंग्स पहन लिए हैं, हेयर बैंड निकाल दिया है, पोनीटेल डाला था मैंने। सिंपल सा आपको बताना था कि किस तरह से गर्मी में आप सिंपल सा सोबर सा मेकअप करके क्यूट दिख सकते हो। ये मेकअप ऐसा होता है, पिंक आई शेडो ऐसा होता है कि मोस्टली हर कलर के ड्रेस पे जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं कैसी लग रही थी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन जो है वो एकदम फ्री है, आपको सिर्फ रेड बटन दबाना है, उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल दबाना है ऑल पे, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आपको मिलते रहे। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और उसके बाद में मेकअप व्लॉग, स्किन केयर रिलेटेड और काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ वीडियो, तो आपको अलग अलग तरीके के वीडियोस यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। प्लस मैं कहीं जाती हूँ तो उसका भी शूट्स करती हूँ, तो आपको मज़ा आएगा मेरे साथ में, होप सो। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली है और मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप भी मुझसे बातें कीजिए, क्योंकि टू वे कन्वर्सेशन होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कैसी लग रही थी मुझे ज़रूर बताना, एंड आपको क्या नहीं समझने आया वो भी ज़रूर बताना, और क्या क्या आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।
तो बस आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यूट्यूब फैमिली बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मैं कह रही हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस देखना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने रिलेटिव्स को भी बताइए, ताकि आपके साथ में वो भी सीख सके। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम बाहर जाके सीख सके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अपना ये चैनल बनाया है, ताकि सबको फ्री में जो है सीखने के लिए मिले। और मैंने बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एडवांस मेकअप आपको बता दूँ तो आपको कुछ भी नहीं समझने आएगा। इसलिए जो है मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। आप सोचते होगे मैं इतने नॉर्मल मेकअप बताती हूँ, बट यही ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल मेकअप नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको हार्ट कहाँ से आएगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।